नमस्कार दोस्तों, आपको अपने टेक्निकल ब्रश चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज देख सकते हैं हमारे पास आईटेल का A23 Pro और A17 जिसे बोल सकते हैं। अगर बात करूं इसे बैक पैनल खोलकर बैटरी हटाकर इसके मॉडल नंबर की, तो यहां पर देख सकते हैं मॉडल नंबर L506C जियो फ़ोन है। और इसमें दिक्कत क्या आ रही है, जैसे कि इसमें FRP लॉक है। जैसे कि चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ फ़ोन को, और ऑन करते ही आप देख सकते रहिए रिसेट करने के बाद इसमें दिक्कत क्या आ रही है, FRP बाईपास है और इसे आप नहीं खोल पा रहे हैं। जब आप इसे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और अपना वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो आपसे ID और पासवर्ड मांगा जाता है, तो इसी के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा समय मांग रहा है, जस्ट ए सेकेंड का। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, तो वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे अपने जो भी मोबाइल है उसका हॉटस्पॉट खोल के, उसके बाद आगे बढ़ना है। पूरी सेटअप बताने वाला हूँ, तो बने रहे हमारे चैनल पे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चेकिंग फॉर अपडेट लिख रहा है, यानी कि यहाँ 1 से 2 मिनट समय लेगा। जब तक आपका यहाँ लॉक लगा है तब तक आप इसे FRP बाईपास नहीं करेंगे सकते हैं। तो यही इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करेंगे। जैसे कि देखिए, मैं डोंट कॉपी पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने आ जाएगा, पासवर्ड मांगेगा जो मैं इसमें पैटर्न डाला था या पिन डाला था या कुछ भी डाला था, ओके। और गूगल अकाउंट मांगेगा, यहाँ पे देखिए यही मेरे को यहाँ पर डाला था पहले, तो ये हमें नहीं पता है। जैसे कि यूज माई गूगल अकाउंट पर भी क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर स्किप का ऑप्शन नहीं देगा। अगर पुराना वाला अगर आप जीमेल अकाउंट रखे हैं ओके, तो वो अगर आप डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपको याद ही नहीं है तो आपका लॉगिन नहीं होगा, यहाँ स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसे कैसे हटाएंगे, उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, आपको बैक आना है पूरी तरह से। बैक आने के बाद यहाँ इमरजेंसी कॉल दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, इस पर 2 बार टैप करना है। जैसे इस पर टैप कर देंगे उसके बाद यहाँ पेन वाला आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नेम का, ओके। तो आपको इस पर क्लिक करना है प्रोफाइल वाले पे, नेम पे। उसके बाद यहाँ प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके और यहाँ पर चूज एन इमेज दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर एक 3 लाइन ऊपर देखेंगे दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर AI गैलरी दिखाई दे रहा है, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस किए रहना है। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे परमिशन एक दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको एक सर्च का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग सर्च मारना है, SETTING सेटिंग। जैसे ही सर्च मारेंगे फिर कुछ देर यहाँ वेट करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग देखिएगा आ जाएगा। जैसे ही मैं सर्च मारा उसके बाद क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे क्या करना है ऐसे करके फिर सर्च मारता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे सेटिंग मारेंगे तो फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। ये देख लीजिए सेटिंग ऐप इन्फॉर्मेशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे एक ओपन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना ओपन। ओपन कर देंगे तो इस मोबाइल के आप सेटिंग में ईजिली तरीके से घुस जाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी के ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा स्क्रीन पिनिंग का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ऑफ होगा, इसको ऑन कर देना है, इसको भी ऑन कर देना है। जैसे ऑन करेंगे तो आप जो मन चाह अपना पिन पैटर्न बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक कोई पैटर्न बनाता हूँ, यहाँ पे गया पैटर्न बना दिया, नेक्स्ट कर दिया। आप भी कुछ भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे गया नेक्स्ट कर दिया, बस इतना सा काम करना था, बस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूछ रहे, फेवरेट कलर यहाँ पर अपना डाल दीजिए क्वेश्चन आंसर स्पोर्ट्स क्रिकेट ओके, कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन वन टू पूछ रहा है, तो यहाँ फेवरेट कलर रेड है, यहाँ पे स्पोर्ट्स क्रिकेट है। उसके बाद डन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या करना है, स्किप कर देना है। जैसे ही आप स्किप कर देंगे उसके बाद क्या करना है, पूरी तरह से बैक आ जाना है। अब बैक आके वहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, स्टार्ट आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे बैक आ जाएंगे
उसके बाद यहाँ पे जब आपसे पासवर्ड और पैटर्न पूछेगा, तो जो अभी आप पैटर्न बनाए हैं, यहाँ पे देखिए डाउन कॉपी कर रहा हूँ, जो आप पैटर्न और पासवर्ड बनाए हैं वही आप यहाँ पे डालेंगे। देखिए जैसे कि पहले यहाँ पासवर्ड पूछता था, आप पैटर्न अभी बनाया तो पैटर्न पूछा, तो वही यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे वही ड्रॉ कर दिया पैटर्न। उसके बाद देखिए इस मोबाइल में मैं इजी तरह से एक्सेस हो जाऊँगा। यहाँ पे पहले स्किप का ऑप्शन नहीं देता था, अब देखिए स्किप का ऑप्शन दे रहा है। तो चलिए मैं स्किप पर क्लिक कर दिया, यहाँ भी क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए ये मेरा मोबाइल पूरी तरह से खुल गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो वाकई में अगर हेल्पफुल लगा हो साथियों, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे तो गेटिंग योर फोन रेडी दिखाई दे रहा है। आई एग्री, यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद एक्सेप्ट, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पूरी तरह से मोबाइल मेरा यह खुल गया, देख सकते हैं यहाँ पे इसका FRP बाईपास हो गया, एक्सेस हो गया, देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। ओके ब्रो।